चलो। वाह तुम कर लो। क्या हुआ? ये क्या हुआ? लिफ्ट को पूछो ना, तुम्हारी दोस्त है ना? या पूछा मैंने, कहती एक सर फिरी लड़की अंदर घुस गई मेरे, अभी ना मेरा मूड ऑफ हो गया। नकचुड़ी कहेगी क्या? देखोगी नहीं लिफ्ट को हुआ क्या है? तो तुम देख लो ना। ये पूजा आखिर चाहती क्या है? हैं? मैंने उसको बोला कि कबीर ने टेम्पो चुराया, उसने ये बात मान ली कि कबीर ने टेम्पो चुराया। जब मान ली तो बात खत्म हो गई ना भाई। निकाल के बाहर करो कंपनी से उसको। नहीं उसको क्यों पाला हुआ है कंपनी में? नहीं चलो रखा हुआ है तो रखा हुआ, पर क्लाइंट के साथ भी ले गई मीटिंग करने के वास्ते। भाई मुझे क्या लगता है ना, पूजा को हैंडसम लड़के अपने साथ रखने का मन है। हैंडसम? कौन हैंडसम? Come on पापा जी, कबीर को देखिए और फिर खुद को देखिए। ओए तू किसकी औलाद है? मेरी के कबीर की? आप ही बोलते रहते हो सुअर की। क्या हुआ उसका? रानी के बारे में बोला था, रानी को पटाई कि नहीं पटाई? एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे थे आप? मुझे व्हाट पटाना? क्या पटाना? पटाना पटाना कबीर के बारे में बात हो रही थी जी। पूजा मैडम जी इतनी सीधी साधी भोली भाली है ना जी कि वो अब ना उनके पूजा दी के साथ क्या? एक बात जी मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि पूजा जी उस कबीर पे इतना भरोसा ही क्यों कर रही है। आज भी दोनों बाहर गए हुए हैं। नहीं क्लाइंट मीटिंग, अब बात बताओ जी क्लाइंट की मीटिंग है तो मैनेजर होने के नाते किसको जाना चाहिए? मुझे? मैनेजर कौन है? मैं? गया कौन? वो कबीर। वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये पूजा दी कबीर के लिए इतनी सॉफ्ट क्यों पड़ रही है। के दिमाग में बेवकूफी वाली बातें पता नहीं कहां से आ गई। आई डोंट बिलीव इट, घर छोड़ के चली गई। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मम्मी सरप्राइज कॉलेज है। अरे पता है कॉलेज है तेरा, तो चल रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ? हमें नहीं जाना मम्मी। मम्मी हो गया आपका, तुम आप जाओ यहां से। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है किसी घटिया बातें सुनकर। तो अब सुन लो, मैं आमरण अनशन करूंगी। कौन सा अनशन? आमरण अनशन। जय गंगा मैया। कॉलेज हमारा, उठो ना। क्या कर रहे हो प्लीज मम्मी? पढ़े लिखे लोगों देखो, चंदा टाइप्स की औलाद। अरे अपने माँ के मन की बात नहीं मान रही? हाँ देख रहे हो, ये है मेरे बच्चे, चंदा टाइप्स के बच्चे। उनका बुरा चाहती है लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कलयुग के बच्चों को कि मैं जो हूँ। ये निकल गए। ये अब कैसे खुलेगी? अम्मा मैं और कबीर ना यहाँ ले। हेलो अम्मा फोन निकालो अपना, कॉल करो ना क्लाइंट्स को, उनको बोलो हम फंसे हुए हैं, वो निकालेंगे हमें यार। स्टॉप इट प्लीज। हे क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। क्या कर रही हो? फोन ले रही। नहीं दे रहे थे ना, कहाँ रखा है? देख लिया, हो गई तसल्ली, नो नेटवर्क, खुश हो गई। हाँ अब जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई साजिश हो, और हर मोबाइल नेटवर्क का नाम पूजा शर्मा नहीं होता।
फोन दो मेरा वापस। फोन लेके बैठ गई नेटवर्क चेक करने। सर मैंने खुद देखा रानी मैडम को रिटर्न आते हुए। पूजा मैडम के केबिन की तरफ जा रही थी। क्या बात कर रहा है? ऑसम। अब एक काम कर, अब फटाफट मेरी हेल्प कर दे, ठीक है? लाते। निकल 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 लेके जाओ लेके होता रहता है यहाँ। पापा सही कहते हैं यार, कभी कभी खुद पे शक होता है कि मैंने एमबीए किया भी है या। पूजा पूजा बेटिया पूजा, ये सब क्या है अम्मा? अरे पता नहीं, मैं पूजा को ढूंढते हुए तेरे कैबिन में गई तो पता नहीं किस बेवकूफ ने ये सब कर दिया। बेटा पूजा कहाँ है? किसी क्लाइंट मीटिंग में गई है अपने फेवरेट मिस्टर कबीर मित्तल के साथ। रानी बिटिया मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब मैं यहाँ आ रही थी ना तो पूजा का कॉल आया था मुझे, कुछ तो बता रही थी कबीर के बारे में और परेशान लग रही थी, तब से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। किसी मुसीबत में ना हो मेरी बच्ची। अरे चंदा अब बस भी कर बाबा, छोड़ दे गुस्सा, घर वापस आ जा। अरे हमारे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए आ जा, दोनों तेरे लिए बहुत परेशान है। अरे इतने ही परेशान है चंदा, टाइप्स के बच्चे तो आ क्यों नहीं जाते अपनी माँ से मिलने। अरे भाभी क्या ऐश की जिंदगी कट रही है मेरी तो, आए हाय। हाँ पता है भाभी, पूजा और रानी मेरे पीछे पड़े रहती हूँ। चंदा टाइप काजू कतरी खा लो, अरे गुलाब जामुन तो खाने ही पड़ेंगे। अब क्या करूं भाभी, मैं फंस गई हूँ यहाँ, तुम्हें तो पता ही है दुख और तकलीफ में तो रहने की आदत नहीं है ना मुझे। ठीक है चंदा, तू अगर वहां खुश है ना तो वहीं रह, मैं अपने परिवार वालों की खुशी के अलावा और क्या मांगूंगी। अच्छा रखती हूँ। ठीक है चलो बाय। दिन रात कम वक्त काम पे लगाए रहते हैं। सारा कूलूर बनने की कोशिश मत कर, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हम फंसे हुए, लिफ्ट हर तरफ से बंद है, किसी को पता नहीं हम यहाँ पे बंद है। ये लाइटें क्यों टिम 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 आ रही है? हमारा विमान क्रैश होने वाला है, कृपया अपनी लाइफ जैकेट पहन ले, हमें कभी भी पानी में कूदना पड़ सकता है। और हाँ कुर्सी की पेटी बांधना ना भूले। ये लिफ्ट गिरने वाली है इसका मतलब? हाँ I don't know, बस मैंने तो बस ऐसी। क्या बस यूँ ही? इडियट डरा क्यों रहे हो?
एक सेकेंड। आई होप तुम्हें ये ना लग रहा हो कि इस लिफ्ट में हमारे साथ कोई भूत भी है, मतलब ऐसे लाइटों का चिमटिमाना। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, बट रियलिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ, फिल्में भी तो तभी बनती है जब ऐसा लोगों के साथ हुआ होता है ना। तुम्हें लगा मैं ऐसा सोचूंगी ना, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कबीर मित्तल। वही तो। क्या वही तो? डर तो लग रहा है। अब बैठ क्यों गई? ऐसे। अरे भाई साहब देख रहे हो ना, मैडम बैठ गई, साइड हो ना जरा। अरे आपसे बात कर रहा हूँ, जरा खिसको ना, ये साइड में हो रही है मैडम। किससे बात कर? इनसे। अरे आप डराओ मत मुझे। तुम्हें कहीं सही में तो नहीं लग रहा कि मेरे साथ कोई तीसरा बंदा बैठा हुआ? तुम ना You shut up. तुम भूत भूत में मानती हो क्या? और अगर मानती भी हो तो तुम्हें पता होगा ना, तुम इस लिफ्ट के अंदर हो। इस लिफ्ट के अंदर सिर्फ पूजा शर्मा है, स्वयं पूजा शर्मा है, और पूजा शर्मा के सामने कोई भूत की हिम्मत नहीं होगी आगे आने की। Look on your face now. फोन क्यों नहीं लग रहा पूजा का? छोड़िए ना अम्मा, कबीर के साथ है ना, तो अपना फोन एरोप्लेन मोड पे डाल दिया होगा। क्या बोल रही है तू? जो दिख रहा है ना वही कह रही हूँ। मुझे तो कबीर से अलग कर दिया और खुद उसके साथ घूम। रानी, खुद पे ना लगाम लगाना सीख तू। कब तक छोटी बहन बनी रहेगी? कितना कुछ किया है पूजा ने तेरे लिए, कब समझेगी इस बात को? बचपन से देखती आई हूं, मार्केट में जब उसको फ्रॉक खरीदवाती थी ना तो बोलती थी कि नहीं रहने दो, रोने लगती थी कि मुझे नई फ्रॉक नहीं चाहिए, पुराने कपड़े पहन लूंगी, ये फ्रॉक मेरी छोटी बहन तेरे लिए रानी रानी के लिए खरीद लो। जब कभी बाहर खाना खाने जाया करते थे तो पूरी थाली तेरे लिए छोड़ दिया करती थी ताकि तेरा पेट भर जाए। अरे कब एहसास होगा तुझे इन बातों का? और तू तू हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने बारे में। तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने? मेरी बड़ी बहन है ना, तो बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। अरे कौन है? कौन है? पूजा मैं ऊपर जाऊंगा और बाहर जाके लिफ्ट चालू करवाऊंगा, ओके ठीक है? किसी मुसीबत में ना हो मेरी बच्ची। चोपड़ा जी, आपको पता है कि पूजा बिटिया इस वक्त कहाँ पे? हाँ, वो क्लाइंट के यहाँ मीटिंग करने के लिए गई हुई है मम्मी जी। सुहासिनी जी, उस क्लाइंट के ऑफिस का एड्रेस पता है आपको? क्या हो गया जी, कोई दिक्कत वाली बात हो गई है? रानी बिटिया, तू उस क्लाइंट के ऑफिस जा और वहां जाके पूजा बिटिया को देख। मैं घर जाती हूँ, हो सकता है पूजा घर आ गई हो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। देखो तो सही ये दोनों क्या कर रहे हैं साथ में, है ना?
साहब क्या हो साहब? अरे लिफ्ट में कोई फंस गया है साहब, लिफ्ट तो काम चल रहा है साहब। अरे चाबी वगैरह कुछ होगी ना, वो लेके आओ प्लीज। साहब आप चलो, मैं चाबी लेके आता हूँ। पूजा पूजा तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं पे हूँ, लिफ्ट खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुमने कहा था लिफ्ट चलेगी, लिफ्ट चल नहीं रही है कबीर। पूजा पैनिक मत करो प्लीज, पैनिक होने से कुछ कुछ हासिल नहीं होगा, प्लीज रुको। पूजा पूजा एक सेकंड छोड़ो, हटो सब, इस पे चढ़ी। लिफ्ट में फंस गए थे हम लोग। लिफ्ट में कितनी देर? तुम्हारे बेटों के सवालों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता, समझी? नमू अम्मा, दीप बेहोश हो गई है, अब जल्दी आइए। आराम से बेटा, ठीक है ना? दीप देखो जरा, चंदा कितना काम कर रही है, इसे तो मैं बताती हूँ आज, इसकी इतनी हिम्मत। चलो घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया, भाग गया घोड़ा, घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया। तेरी इतनी हिम्मत हमारे सोफे पे लेटने की? रानी जी मैं लेटी कहाँ थी, मैं तो साफ सफाई कर रही थी, लुढ़क गई, आग लग गई, कब पता नहीं चला। अच्छा रानी बिटिया चल, पूजा बिटिया को उसके कमरे तक छोड़ के आए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ पूजा जी को? मैं हेल्प करती हूँ ना। जितना काम दिया है ना उतना कर लो, वही बहुत है। और ये जो तुमने हरकत की है ना, उसकी सजा मिलेगी तुम्हें, सारा खाना आज का कैंसिल, कुछ नहीं मिलेगा। चलो अम्मा चल आज। तीन बार का खाना कैंसिल, कुछ नहीं मिलेगा, चंदा टाइप्स का क्या होगा? कैसा लग रहा है अब? ठीक हूँ अम्मा, सही टाइम पे कबीर ने मुझे वहां से निकाला, वरना आज तो मेरा दम ही घुट जाता। तू बचपन से ही बंद जगहों पर बहुत परेशान हो जाती है। आप कितने टाइम के लिए फंसी थी वहां? मुझे याद नहीं है गुड़िया, एक डेढ़ घंटा हुआ होगा। एक घंटा? एक घंटे के लिए आप लोग वहां क्या कर रहे थे दोनों? क्या कर रहे थे मतलब? फंसे हुए थे ना वहां पे, ये कैसा सवाल है रानी? लेकिन ये क्या सवाल हुआ? अरे रानी रानी अम्मा तू भी ना, तू क्या बोल रही है? लेकिन ना, ना, तू ये खाना खा ले, ले। बेटा अब तो तू कबीर से ये लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगी ना? ध्रुव तू मेरे से ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं समझती हूँ तेरा दर्द, तू कितनी तकलीफ में है मैं जानती हूँ, और तो कब तक अपने सीने में उसके जख्म लिए घूमेगा और उसका दर्द हम सबको देता रहेगा? नहीं माँ, अब मैं दर्द में नहीं हूं, हो गया मेरा तो, अब तो बाकी लोगों को दर्द देना है, अब वो झेलेंगे उनके हिस्से का दर्द।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।